हेलो माय डियर एशियन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहें। देखिए मेरे प्यारे एशियन, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI कहिए, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे एशियन, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, केवल आप लोग को इस वीडियो को पूरा पूरा देखना है। ट्वेल्थ में एकदम समझिए, केमिस्ट्री में आपको 90% कोई नहीं झुकाएगा, आप लोग केवल लास्ट तक बने रहे, ठीक है? देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। सरल घनीय जालक में संकुल क्षमता होती है, यानी कि एससीसी में कितना होता है तो 52% होता है। वही बीसीसी कहता था 68% और एफसीसी कहता था 74%। आगे कह रहा है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि उप संयोजन संख्या कितनी होती है, तो वो 4 होती है, याद रखेंगे। कितनी होती है? 4 होती है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे मेरे प्यारे एशियन, पूरा एकदम VVI है। किसी फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका के कोर लंबाई 508 पिकोमीटर है ना? यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या होगी क्या हो जाएगी? तो ऋणायन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 144 पिकोमीटर, ठीक है, 144 पिकोमीटर। आगे कह रहा है क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है? तो देखिए क्षारकीय यानी कि क्षारीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का मुख्य कारण होता है मेरे डियर स्टूडेंट एफ केंद्र दोष के कारण जो होता है क्षारकीय धातु हैलाइड जो होता है रंगीन होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहे कि मध्यवर्ती यौगिक लिथियम सिल्वर है ना, एक घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें सिल्वर और लिथियम दोनों की उप संयोजन संख्या 8 है होती है, तो क्रिस्टल की प्रकृति कैसे होगी? तो दोनों का 8 है, क्या कर रहा है? दोनों का 8 है, तो एक का मतलब हो गया अंतः केंद्रित घनीय, यानी कि आप लोग को जाएगा BCC हो जाएगा, ठीक है ना, BCC। कह रहा है H2SO4 है, क्या है? तो अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। और हाँ पूछे कितने भाष्मिक, तो 2 भाष्मिक है, याद रखेंगे 2 भाष्मिक। 7 में कह रहा है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, कब होती है? तो सेल अभिक्रिया स्वतः तभी होगा मेरे प्यारे एशियन जब गिब्स ऊर्जा का मान, माना गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि ΔG0 का मान ऋणात्मक होगा। आगे कह रहा है कि द्रविड NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्न में से कौन मुक्त होता है? तो कैथोड पर सोडियम जाएगा, ठीक है ना, सोडियम, क्योंकि कैथोड होता है माइनस वाला और सोडियम होता है प्लस वाला, प्लस माइनस का योगदान होता है तभी तो कोई चीज़ का निर्माण होता है ना मेरे प्यारे एशियन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए क्या करें। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो विद्युत विच्छेदन के नियम को, फैराडे के यानी कि प्रथम नियम को कौन इसमें से व्यक्त करता है? तो मेरे प्यारे एशियंट याद रखेंगे M बराबर होता है ZCT, यानी कि ZCT यानी कि CZC, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्या करा है मेरे डियर एशियंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे लाल। प्रसरण के दौरान अर्धपरगम में झिल्ली से जल का प्रवाह होता है किधर से किधर होता है? तो प्रसरण के दौरान देखिए अर्धपरगम में झिल्ली से जल का प्रवाह जो होता है अर्धपरगम में झिल्ली के दोनों ओर आसानी से प्रवाह की दर से होता है, दोनों ओर आर पार हो जाता है, ठीक है ना। जल यानी कि विलायक के अणु, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया दे दिया 2AB है ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा नीचे चलाएगा 2, यानी कि बी के इधर 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर मेरे प्यारे एशियन क्या हो जाएगा 11 का, तो 1/2 और अभिकारक है तो माइनस में, और DA/DT हो जाएगा, DA/DT, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा C। बाकी देखिए यहाँ पर 1/2 है लेकिन यहाँ अभिकारक माइनस में होता है तो माइनस नहीं लगा हुआ है, गलत, और प्रतिफल में यहाँ प्लस लगा दिया तो गलत, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 है इधर तो इधर होगा माइनस 2/2 में, ई में गलत है, इसमें 2 नहीं होता है ऑप्शन। आगे देखिए कह रहा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो क्या है 200 ml है ना, तो 2 ग्राम/NaOH का आणविक द्रव्यमान 40 होता है, और ऊपर में लिखेंगे हम लोग कितना 1000, अब बटे में कितना दे दिया 200, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरे प्यारे एशियन क्या हो जाएगा, ये कर जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लगता है कहीं पे मिस्टेक हुआ है, बाय मिस्टेक। हाँ बाय मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर होता 200 और आन, और यहाँ पर 200 हो गया। आणविक द्रव्यमान ठीक है, डब्ल्यू बाई एम गुने भी 1000 बटे भी। अच्छा ऊपर में ही 1000 होता है, भी दे दिया 200। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2, 1/4 बच जाएगा, 1/4 यानी कि 0.25, ऑप्शन नंबर 1/4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी पृष्ठीय घटना नहीं है, कौन सी ऐसी घटना है जो पृष्ठीय घटना नहीं है। तो वैद्युत अपघटन एक पृष्ठीय घटना नहीं, तो समांगी उत्प्रेरण पृष्ठीय घटना है, ठोसों का मिलना, जंग लगना, ये सभी पृष्ठीय यानी कि सतह पर होता है। क्या होता है, सतह पर को हम लोग पृष्ठीय कहते हैं। आगे करें, यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दुगुना कर दिया जाए तो उसकी अर्धायु भी दुगुना हो जाती है, अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी, तो उसकी दर भी दोगुना हो जाती है, यानी कि अभिक्रिया कोटि मेरे प्यारे एशियंट आप लोगों को एकदम शून्य हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। याद रखें सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ये सभी बैठाया हुआ है, एकदम 100% मैं गारंटी देता हूँ, पूरा के पूरा क्वेश्चन अगर ना आया एग्जाम में तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या करें, जल में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, जैसे ही तीर के चिन्ह पर अगर सूर्य का प्रकाश रहे या डेल्टा रहे या एच न्यू रहे तो आप लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया मार करके ही आएंगे। आगे कह रहे, वर्ण लेखन का आधार है, तो वर्ण लेखन का आधार क्या है, तो वह भौतिक अधिशोषण के लिए है। कौन सा अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण के लिए वर्ण लेखन का आधार है। आगे क्या करें मेरे डियर एशियंट, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता है कौन सा है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा तनुता पर धीमे से बढ़ती है, तनुता पर धीमे से बढ़ती है, ठीक है ना। आगे क्या करा है, अगला 18 नंबर बहुत बहुत वीवीआई एकदम इम्पोर्टेंट, द्विसंयोजी वैद्युत अपघट्य की मोलर आयनिक चालकता है क्रमशः 57 और 73 होती है, तो बिलियन की मोलर चालकता क्या हो जाएगी, तो बिलियन की मोलर चालकता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे सेंट, आप लोग जोड़ दीजिए उसको, क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिएगा तो 130 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक बिलियन को 9 गुना तनु कर दिया जाए तो उसका चालकता क्या हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉनिक बिलियन को 9 गुना कर दीजिएगा तो उसका चालकता मान क्या हो जाएगा, तो 9 गुना बढ़ जाएगा, चालकता मान भी 9 गुना बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि सेल दे दिया है, ये इधर कॉपर सॉलिड सिल्वर आयन है, फिर इधर कॉपर आयन है सिल्वर सॉलिड है, तो ई नोट सेल का मान दे दिया है इतना इतना कॉपर के लिए है ना, तो ये दुगुना कर आयनों की सांद्रता दुगुना करके ई नोट सेल हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ई नोट सेल हो जाता है अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे के तैसे होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बिजोर कर रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे सेंट। आगे क्या कर रहे हैं, मालाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तो मालाकाइट जो अयस्क है मेरे डियर सेंट वो कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है ना, कॉपर का होता है। आयरन का होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट, मरकरी का होता है सीनेवार HGS, जिंक का होता है जिंकाइट जिंक ब्लेड है ना कैलामाइट। आगे देखिए, अभिक्रिया इतना 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 के लिए वेग स्थिरांक इतना दे दिया है, और ये क्वेश्चन जो है 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये NCERT बुक का है, 5 बार पूछा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि तो इतना की सांद्रता होगी क्या हो जाएगी, तो इतना की सांद्रता जो हो जाएगी मेरे प्यारे कैलकुलेशन करके हम लोग देखे हैं तो 0.8 आता है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे 22 नंबर का, 5 बार पूछा है मेरे डियर एशियंट। आगे देखिए क्या कह रहा है सर, 23 नंबर में क्या कह रहा है, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलोइडी कणों की गति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वैद्युत कण संचलन, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में तो वैद्युत कण संचलन याद रखेंगे, वैद्युत कण संचलन। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण प्रसरण दाब के लिए सही है, तो पाई बराबर होता है CRT, क्या होता है CRT, तो पी बराबर CRT हो जाएगा, तो पी बराबर CRT ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, किसी घोल 1 m का परासरण दाब निरूपित किया जाता है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो वह निरूपित किया जाता है मेरे डियर एशियंट याद रखेंगे, पाई बराबर हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर पाई बराबर हो जाएगा आप लोगों को ST है ना बटे सी, ST बटे सी हो जाएगा, नहीं 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 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसमें आप लोगों को हो जाएगा पाई बराबर क्या होता है CRT होता है ना, तो पाई बराबर CRT,
तो यहाँ पर कह दिया है पाई के पाई बटे में सी और बराबर में आर को हम लोग एस में व्यक्त करें तो एस टी हो जाएगा। तो पाई बटे सी बराबर एस टी, तो पाई बटे सी बराबर एस टी ऑप्शन नंबर कहाँ पर है तो डी में है। तो 25 का आप लोगों को डी हो जाएगा। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कह रहा है। इसको आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो वो HCl जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, यह 8 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 8 से 9 बार। आगे क्या कर, निम्नलिखित में कौन गैस एकल परमाणविक है, तो एकल परमाणविक मतलब क्या होता है बताइए। तो एकल परमाणविक के मतलब होता है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, कि अक्रिय गैस। अक्रिय गैस हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो भी है सब, तो हीलियम हो जाएगा एकल परमाणविक। आगे कर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो अधातु है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है, तो बताइएगा पारा है कि जिंक है, धातु में बताएंगे कमेंट करके। चलिए हल्का क्वेश्चन था। अब कह रहा है Fe पर 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो D के पावर अब हो जाएगी आप लोगों को कितना, 4 हो ना जाएगी। तो 30 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 हो जाएगी, डी के पावर 4 हो जाएगी क्योंकि प्लस 2 है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक डी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले मैग्नीशियम तो गलत है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो इसमें आप लोगों को हो जाएगा मेरे प्यारे एशियंट 31 का आप लोगों को लोहा वाला, क्योंकि 3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वेनेडियम हो जाएगा, तो वेनेडियम का हो जाएगा आप लोगों को 1, ए में हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 3, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो हवा की अधिकता में है ना, हवा की अधिकता में मेरे प्यारा, जैसे ही कहेगा हवा की अधिकता तो आप लोग डायरेक्ट एकदम मारेंगे भर जाना, हवा की कमी कहेगा तो निस्तापन। 33 में कराए कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु का के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मेरे डियर स्टूडेंट यह प्रक्रिया कहलाती है वैद्युत शोधन। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि वह अयस्क जिसमें 2 धातुओं के परमाणु है, तो 2 धातु के परमाणु कौन सा अयस्क में, तो कॉपर पराइट में है, क्योंकि CuFeH2 है, इसमें हो जाएगा आप लोग, आप लोग किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, कॉपर पराइट में। आगे क्या करें, लाल ऑक्साइड, लाल बॉक्साइड, लाल बॉक्साइड में मुख्य अशुद्धि उपस्थित होता है कौन होता है, तो लाल बॉक्साइड में मुख्य अशुद्धि जो होता है उपस्थित होता है वो आप लोग को Fe3। आगे करें, अमोनिया में या मीथेन में या हीरा में आप लोग कौन सा प्रसंस्करण दर्शाता है, हीरा में, तो वो SP3 दर्शाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, SP3 दर्शाता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे जो है बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सभी ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाना, तो इस 35 ऑब्जेक्टिव आगे की ओर देखना है आप लोगों को। साथ ही साथ अगर आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा नंबर ले लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में 80 से 90 नंबर अगर लाना, तो आप लोग इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 82 29 84 33 52, ठीक है ना, 82 29 84 33 52, और पहले 799 था, अभी 499 हो गया है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% गारंटी के साथ है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, एकदम यही सब रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ठीक है ना। और अभी से आप लोग तैयारी करेंगे लगर के, तो एग्जाम में आएगा एकदम झरके और नंबर, समझ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट कीजिए, और चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेंट लेना है तो मैं बता देता हूँ, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स लेना है तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ठीक है, स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ से ISC वाला में आइए, सभी मिल जाएगा, डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है ना, डेली टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, न्यू अपडेट में आइए, हमेशा अपडेट आपको मिलते रहेगा सभी चीज़ें। अगर हर सब्जेक्ट का PDF अगर आप लोग चाहते हैं डाउनलोड करना, तो यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिए गए हैं, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सभी चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है।
चलिए मेरे प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।